मेवाड़ मित्र मंडल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ১৯৬৮ से संघ के प्रचारक और जिनको देख करके हमने भी कुछ काम करने का जज्बा पैदा किया, आदरणीय गुणवंत जी भाई साहब, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के आदरणीय मंगल प्रभात जी, भाभी जी, मंजू जी, श्रीमती अनीता कटारिया जी और भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष आदरणीय डांगी जी, आदरणीय शिखर चंद जी जैन साहब, भाई चंद्रशेखर जी और मेरे बचपन के साथी और इस महाराष्ट्र के बम्बई शहर में मुझे आप तक ले जाने का काम किया। कई लोगों के दुकान और घर पर आया हो, शांतिलाल जी जैन साहब बैठे हैं। वास्तव में उस आदिवासी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए मुझे उदयपुर में पैसा नहीं मिलता था, पर कैंडिडेट को खड़ा करना पड़ता था और इस कारण से हम उस समय में कैंडिडेट खड़े करते थे जब आदमी हमको मिलता नहीं था, तो हमें जो कोई भी बताता था कि वो लड़का ठीक लगता है तो हम उस लड़के को जाकर कपड़े भी उसके सिला करके तैयार करके देते थे और उसको फार्म भरवाते थे। अब उसको चुनाव लड़ाएं किससे? तो इस महानगरी में मैं आप सब लोगों का बहुत ही कर्जदार हूँ। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ना, मुझे इस जगह खड़ा करने में इस महानगरी के आप सभी राजस्थानियों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो भी राशि देते थे उसी राशि से मैं एक जीभ उनको देता था, कुछ कागज पेपर देता था और उनको चुनाव के मैदान में लड़ाते थे। कभी जमानत जब्त होती थी, कभी चुनाव हारते थे, लेकिन यात्रा चलती रहती थी। ये क्यों चली? इसका श्रेय किसी को जाता है तो संघ के उन प्रचारकों को जाता है जिन्होंने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, योग्यतम व्यक्ति बनने के बाद, कई तो उसमें से गोल्ड मेडल प्राप्त थे, कई लोग अब इंजीनियर और डॉक्टर किए हुए लोग जब एक झोला लटका कर संघ का काम करते हुए हमारे साथ दिखते थे तो देखकर ऐसा लगता था कि आखिर ये व्यक्ति अपनी सारी जवानी को दांव पे लगाकर क्यों बैठा है। घर का मोह छोड़ करके, माँ बाप का प्यार छोड़ करके, उनके आंसुओं को देखने के बाद भी ये हिचक नहीं रहा है, काम में लगा हुआ है। इसका मतलब इस संगठन में कोई न कोई चीज़ है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग घर का प्यार छोड़कर इस कठिनतम रास्ते पर क्यों आ रहे हैं। और उस समय संघ के प्रचारक को कोई खाना मिलेगा इसका कोई पता नहीं था, कहाँ मिलेगा इसका भी पता नहीं, वो जाएगा वहाँ कहाँ सोएगा उसका ठिकाना नहीं, बस से उतरने के बाद बस स्टैंड पे ही रात गुजारनी है या स्टेशन पे उतरने के बाद स्टेशन पर ही रात गुजारनी है। ऐसे लोगों को जब अपनी आँखों के सामने देखते थे तो लगता था कि यार ये संगठन कोई और ही प्रकार का है। लोग तो प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, ये तो सब कुछ देने के लिए काम करते हैं और उसके बाद न तो इनका कोई नाम जानता है, न इनको कोई माला पहनाता है, न कोई इनको नूता देकर रोटी खिलाता है। ऐसे लोगों को देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई न कोई राष्ट्रीय कार्य है। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर डॉक्टर हेडगेवार इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं प्रारंभ करता तो आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। दोस्तों,
अगर आज हम कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं, हम जब स्वयंसेवक बने थे तब ये कहना भी पाप था। देश का प्रधानमंत्री कहता था मुझे गधा कह दो पर मुझे हिंदू मत कहो। उस वातावरण में से इस देश को निकालने का प्रयास किया। ये जो आज जो कुछ दिखता है ना आपको कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, अटल जी प्रधानमंत्री जी है, इसकी नींव में उन लोगों का अपने जीवन का रक्त लगा है, शरीर का समर्पण लगा है, जिंदगी दांव पर लगी है। उनको आज कोई नहीं जानता, ना उनका नाम कहीं है ना कहीं उनका काम है, फोटो है। और मैंने जयदेव जी पाठक को, मेरे जिला प्रचारक को देखा है, जिस आदमी ने कभी अपने हाथ से दाढ़ी की पत्ती नहीं खरीदी पर दाढ़ी बनाता था। जो भी लोग दाढ़ी की पत्ती छोड़ जाते थे उनको वो अपनी डब्बी में इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद जब दाढ़ी बनाते तो उनके पास एक पत्थर था, उस पत्थर पर सरसों का तेल डालता और उसको बार बार रगड़ता। रगड़ने के बाद जब उसकी तैयारी हो जाती तो फर्स्ट क्लास दाढ़ी बनाते थे। अगर हमारे घर कभी आए और हम उनको कहते थे, वो कहते तीन सब्जी क्यों बनाई, दो क्यों बनाई, खीर क्यों बनाई, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा हमने बनाई है, नहीं, जो तुम रोज खाते हो वही मैं खाऊंगा, बाकी चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। और वास्तव वो निकाल देते थे। जिनके जूते वो स्वयं सीते थे, जिनके कपड़े वो स्वयं सीते थे, और एक तरह से वास्तव में लगता था कि यार बड़े से बड़ा सन्यासी भी ऐसा नहीं कर सकता यार। उनका जो चादरा बिछाते थे उसके 100 टांके लगे रहते थे, ऐसे लगता था यार ये क्या आदमी है और क्या सोचता है और ये क्या करता है। उन लोगों के नज़दीक रहने से और उनके साथ गीत गाने से ऐसा लगा, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे न रहे, दिन चार रहे न रहे। ऐसे समर्पित लोगों को देखकर ये यात्रा चली है। ये यात्रा न तो महामहिम बनने के लिए चली थी, न कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए चली थी, ये यात्रा देश निर्माण के लिए चली थी, देश बनाने के लिए चली थी। और इस कारण से जब हम समाज का काम करने निकलते हैं तो हमें अपना जीवन अगर मॉडल के रूप में पाठक जी अपना जीवन नहीं रखते तो गुलाबचंद कटारिया तैयार नहीं होता। अगर कार्यकर्ता को तैयार करना है तो मॉडल के रूप में आपको सामने आना पड़ेगा। आप तो कुछ करो और उसको कुछ बनाओ, कोई नहीं बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये उस संघ के संगठन की तपस्या है जिसने हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम करा गया। गुणवंत जी भाई साहब भी उसमें से आए, वनवासी कल्याण परिषद 68 से प्रचारक हैं। उस झाड़ोल और कोटड़ा में जहाँ हमारी जमानतें जब्त होती थी, सच में हम तो भाषण दे करके ताली बजा के भाग जाते थे, लेकिन फील्ड में इस प्रकार के लोग जिन्होंने एक एक टापरा टापरा छूने का प्रयास किया, एक एक व्यक्ति को तैयार करने का प्रयास किया, उसके कारण से ये यात्रा बड़ी है। ये अकेले भारतीय जनता पार्टी की कमाई नहीं है, कोई सोचता है तो गलत है। ये हमारे हजारों कार्यकर्ता और 50 संगठन के लोगों ने अपने जीवन को होम किया, तब जाकर के इस राष्ट्रीय कार्य को गति मिली है। इस विषय को जब तक दिमाग में नहीं आएगा ना, हम काम करते हैं तो किसी नेता की चाकरी करने नहीं करते हैं, हम उसके कोई नौकर और गुलाम नहीं हैं, हम कोई उसके घोड़े नहीं हैं जिस पे उनकी सवारी का जुलूस निकाले। हम माँ भारती से प्यार करते हैं और माँ भारती से प्यार करते हैं ना तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए ही अपना ही सारा का सारा। ठीक है, मैं तो भाग्यशाली आदमी हूँ जो मेरे को बार बार टिकट मिला, मैं जीत गया, पर मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथी जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा समर्पण किया, जिन्होंने मुझसे भी कठिन जीवन जिया, उनके भाग्य में MLA बनना नहीं लिखा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो छोटा हो गया और मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया।
जो ये विचार करता है ना, वो संगठन को समझता ही नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा होता है उसके समर्पण से, उसके काम से, उसकी निष्ठा से, उसकी ईमानदारी से, उसके सादगी से, उसके जीवन की श्रेष्ठता से। यही हमारा सारी कमाई है, जिसमें से ही निकला। अगर नरेंद्र मोदी जी भी निकले तो संघ के प्रचारक के रूप में निकल के बना, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति भी अगर तैयार हुआ तो संघ की मट्टी से तैयार हुआ है। ये सारे लोगों का एक ही उद्देश्य था, माँ भारती को वो सम्मान फिर से कैसे दिलाएं जो कभी अतीत में हमारे माँ बाप और हमारे पूर्वजों ने दिलाया था। इसको लोग अगर विश्वगुरु कहते हैं तो ज्ञान के कारण से कहते हैं, जीवन के तौर तरीके के आधार पर कहते हैं, केवल धन और के आधार पर नहीं कहते हैं। तो मैं सोचता हूँ इस यात्रा को प्रारंभ करने के पीछे जो मंतव्य था, वो मंतव्य कैसे पूरा हो हम सब लोगों की सामूहिक ताकत से। ये केवल और केवल दिन और रात नरेंद्र मोदी ही काम करता रहे, आश्चर्य नहीं लगता आपको? कोई ईश्वरीय शक्ति है कि नहीं है कि आदमी एक दिन भी बीमार नहीं हुआ, एक घंटे की भी छुट्टी नहीं ली, निरंतर काम करता है और उसके बाद भी इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब कोई न कोई शक्ति तो है। ये जो वास्तव में इस देश में जो चमत्कार होता है ना, काम तो हम करते हैं और पीछे से कोई धक्का मारता है अपने को काम की सफलता के लिए। संघ ने भी जो काम किया, संघ को ही पता नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा कि नहीं आएगा। हम तो सोचते थे हम अपनी आंखों के सामने इस देश का नक्शा बदला हुआ देखेंगे नहीं, हम तो केवल ऐसे ही करते करते मर जाएंगे, पता नहीं देश का स्वरूप बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन कोई न कोई आदर्श शक्ति पीछे से धक्का मार करके और सफलता की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रही है। ये कोई चमत्कार ही हो रहा है। वो चमत्कार हो रहा है अपने समर्पण का, अपने इस देश की महान संस्कृति को बचाने का, इसको उस स्थान पर स्थापित करने के लिए। और इसलिए ठीक है, कुछ लोगों को ढोल ढमीके बज करके स्वागत होते हैं, पर वो नियम में कोई दूसरा ही है जिसने अपने आप को समर्पित किया, उसमें से ये कुछ बना है। अब आजकल कभी कभी जब पार्टी के रूप में देखते हैं ना, तो कभी कभी हमारे पर भी कुछ धब्बे लग जाते हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी में भी जब हम अपने लोगों का, राजनेताओं का जीवन देखते हैं तो उस पर दाग लग जाते हैं, मन को बहुत पीड़ा होती है। जिन लोगों ने सब कुछ दे करके इस संगठन को इस तरह से आगे बढ़ाया, हमारी छोटी सी गलती कहीं इस संगठन को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी? हमारे इतने वर्षों की तपस्या पर कोई दाग तो नहीं लग जाएगा? इस विषय को जब तक हमारा कार्यकर्ता नहीं समझेगा, सीखेगा नहीं, तब तक हम इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। अभी तो यात्रा का पड़ाव शुरू हुए, अभी तो बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाने का मतलब हमारा क्या है? हमने कभी भी हमारे संघ के तीसरे संघ चालक बाला साहब देवरसिय कहते थे, हमेशा वो एक बात कहते थे, कोई अछूत होता ही नहीं है, कोई छुआछूत का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, हम इसको मानते नहीं। और इसलिए मैंने संघ में पहले दिन से ये समझा और सीखा कि मेरे बाजू का आदमी कौन सी जाति का मुझे पता नहीं, मेरा प्रचारक किस जाति का मुझे पता नहीं है ना, न उसको ये ब्राह्मण है कि ये बनिया है कि राजपूत है, कुछ पता नहीं। मेरे को आश्चर्य उस दिन हुआ जिस दिन हमारे उस समय के हमारे प्रचारक थे जो पाली में उनकी मृत्यु हो गई, गोपी जी की पाली में मृत्यु हो गई। सोन सिंह जी का टेलीफोन आया, पता करो यार इनके घर वाले कहाँ हैं। हमने ढूंढा ढूंढी की, हमको कुछ पता लगा नहीं। बहुत कई घंटों तक इधर उधर से सोचते रहे कहाँ करें कैसे करें, क्योंकि वो कभी घर जाते ही नहीं, कभी किसी को पता ही नहीं कि है कहाँ का है। और जब उनकी जाति पता किया तो वो ढोली थे। पहली बार पता लगा, बड़ी मुश्किल। किस प्रकार के लोगों को संघ में एक तरह से सम्मान के साथ रखा है, उन्होंने कभी जाति पूछी नहीं यार। ये जो लोग कहते हैं ना कि आप ये करते वो करते, हमने तो कभी नहीं यार। हमारी शाखा में हरिजन भी आता था तो उतने ही सम्मान के साथ आता था, उसके बाद भी चंदन करते थे तो वो हम साथ बैठ करके ही करते थे, कभी पूछा ही नहीं तू किस जाति का है,
ये जो लोग ढोंग करते हैं ना, इनको क्या मालूम है संघ क्या चीज़ है और संघ क्या चीज़ नहीं है, है ना? ये उनको पता नहीं है। अब ये हम सब कार्यकर्ताओं का केवल भाषण देने से और ये जो माला पहने ढोल बजने से देश का परिवर्तन नहीं होगा। देश का परिवर्तन तो उस दिशा में काम करने से होगा। उसमें जितनी शक्ति और ताकत भगवान ने दी है, हमारी आंखों के सामने हमारा ये देश अगर उस ऊंचाई पर पहुंच जाए तो इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी। उन लाखों कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपने आप को इस संगठन के साथ जोड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं होता है, उस समय तो रोज़ पुलिस पकड़ती थी, रोज़ केस बनते थे, रोज़ कोई न कोई चालान भरने आ जाता था, कोई न कोई इंस्पेक्टर भेज दिया जाता था, कोई न कोई थाने वाला आकर के यही पकड़ ले जाता था, ठोकता था, तुम चोरे ये कैसे कर रहे हो, ये तुम कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उस सब में से निकल करके बना है दोस्तों। इसका मतलब किसी न किसी उद्देश्य के लिए चले हैं हम, केवल इस ये जो लड्डू खाने नहीं निकले कि हमें कोई यहाँ मज़ा आ रहा है। मैं सोचता हूँ हम सब लोगों का दायित्व है कि जिस बात को संघ के द्वारा इस देश में पैदा करने का प्रयास किया है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको आगे चलाएं, इसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये सम्मान तो मेरा महामहिम है, पर महामहिम इन्हीं कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण से काम करते करते थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाया उसके कारण से मेरी पार्टी ने मेरी इज्जत की और आगे बढ़ाया। पर वो आपका सहयोग नहीं मिलता तो मैं क्या करता है? तो आपका वो छोटा सा 500 रुपया और 400 रुपया भी मेरे लिए एक तरह से पार्टी के काम को खड़ा करने के लिए लाखों रुपये का काम कर गया, और वो मैंने बड़ी निष्ठापूर्वक करने का प्रयास किया, प्रभु की भी कृपा रही और उसके कारण से इस यात्रा को यहाँ तक ले आया। मैं सोचता हूँ मेरे सम्मान समारोह के साथ इस बात को भी थोड़ा सा गौर करो कि हमें जो काम मिला है, हमें जो काम कर रहे हैं, उसको हमको किस निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर उस पर कहीं आँच आ गई तो हम इतने बड़े संगठन की तपस्या को एक तरह से कमज़ोर कर डालेंगे। हम जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उस लक्ष्य में जाने में विलम्ब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख करके हमको प्रयत्न करना है, पूरी ताकत के साथ करना है। और जैसा कहते हैं ना कि हम अब बहुत दूरी नहीं है, यात्रा सामने है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्रकार की शक्तियाँ भी इस देश में है जो हमेशा इस देश को तोड़ने का प्रयास करती है। अपने स्वार्थ के लिए देश को रसातल में भी डालना हो तो, नहीं तो ये लुटेरे पैदा क्यों होते हैं? इतना धन दौलत क्यों लूट करके इकट्ठी करते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना? ये देश ये तो नहीं सिखाता था। यहाँ तो ये सिखाता रहता है कि अगर महाराणा प्रताप संकट में है तो अपने बाप दादा की सारी प्रॉपर्टी ले जाकर उसके चरणों में रखकर भामाशाह बन गया, तो ये कहाँ से आए? ये देश के लिए आया ना। तो मैं सोचता हूँ हम भामाशाह को इसीलिए याद करते हैं, और प्रताप अगर नहीं होता तो भामाशाह पैदा ही नहीं हो सकता था। अगर प्रताप का जीवन नहीं देखता भामाशाह तो क्या अपनी सारी दौलत उसके चरणों में जाके रख लेता क्या? वो रखा इसलिए कि जो आदमी इस प्रकार के कष्टों में से भी देश के स्वाधीनता और हिंदुत्व की रक्षा जो दृढ़ रखे, धर्म को तीरा के करता, इस बात को मानने के लिए उसने अपने आप को चाहे कितने कष्टों को भोगता लेकिन कोई समझौता नहीं किया। और इसके कारण से भामाशाह को लगा मेरी इस पूंजी का क्या फायदा, अगर देश के इतने बड़े काम के लिए जिसके लिए महाराणा प्रताप जूझ रहा है और आज सेना की कमी पड़ रही है, उसके पास सामान नहीं है, खाने का सामान नहीं है, तो फिर ये सारी संपत्ति उसको सुपुर्द की, तो ये ऐसे नहीं बनता भैया। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि इस प्रकार की चीज़ें होती है, वो उस कारण से होती है। तो मैं सोचता हूँ हम राजनीति में ज़रूर काम करते हैं, पर राजनीति में भी देश निर्माण के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को खुश करने के लिए और यहाँ उनको सोने से लदोलाद करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई साधनों से लूटखोरी करने के लिए काम नहीं कर रहे, कि हम अपना घर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे यहाँ पर। मैं सोचता हूँ इस बात को ध्यान में रख करके हमें चलना चाहिए। आपने जिस मन से स्वागत किया वो मेरे पर कर्जा है, ये जितने आपने मेरे को ये पहनाए ना, ये मेरे पे कर्जा है इस बात का कि मैं इस कार्यकर्ता की मंशा के ऊपर खरा उतरूं और उस संगठन का काम को उसी सुचिता और ईमानदारी के साथ करूं जिसके लेकर के हम सब लोग चले हैं। हम कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब एक ही राह के राहगीर हैं, एक ही मंजिल पर पहुँचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करें और प्रयत्न अपनी पूरी ताकत के साथ करें, क्योंकि अब की बार का संघर्ष कुछ और प्रकार का है। अब की बार की कबड्डी के पाले में
वन वर्सेज ऑल होगा। अब की बार कबड्डी का पाला और तरह का बनेगा, और ऐसे समय में अगर वन वर्सेज ऑल होने के समय में हमने अगर थोड़ी सी भी ढिलाई कर दी ना, तो पता नहीं हम कितने पीछे चले जाएंगे। इस विषय को ध्यान में रख करके पूरी ताकत लगाए और वास्तव में इस राष्ट्रीय कार्य को करने में अपनी ताकत लगाए। मैंने सम्मान करने वाले नवल जी आपका बहुत आभार, और इन सब दोस्तों का भी जो आपने सबने ये जो मित्र मंडली बना करके आपने जो मेरा स्वागत किया है, आपने एक कार्यकर्ता का एक कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान कराया है। मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। ये महामहिम का पद तो 3 दिन का है, ये आज है ना कल चला जाएगा, ये कोई स्थायी चीज़ नहीं है। स्थायी चीज़ तो मैं और आप एक ही रहा के राहगीर है, एक ही काम का सपना लेकर के चले हैं, तो पद रहे न रहे ये काम हमारा मरते दम तक रहेगा और इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ये आप सब लोग आशीर्वाद दो, धन्यवाद।